नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार पटेल और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम मेडिकल ज्ञान है। दोस्तों, यहां दवाइयों से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो विटामिन ई के बारे में है। विटामिन ई या जो कि मार्केट में आपको विटामिन ए लेना पड़ेगा तो इवियन के नाम से आता है, इवियन 400 mg के नाम से आपको मिल जाता है, जो कि स्पेशली जिसमें विटामिन ई मिले होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि विटामिन ई क्या होता है, इसके नेचुरल सोर्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि विटामिन ई के हमारे बॉडी में क्या क्या यूज़ हैं, क्या फ़ायदे हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा होने पे क्या नुकसान हो सकते हैं, और बात करेंगे कि मार्केट में जो इवियन टैबलेट आती है विटामिन ई की, उसका क्या यूज़ है, या अगर हम ख़रीदना चाहें तो कौन से कंपनी और कौन से मार्केट में इसको ले सकते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों आज हम विटामिन ई के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विटामिन ई के फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, ये विटामिन ई के जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं, बात करते हैं उसी में से कुछ फ़ायदों की। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो डैमेज स्किन के लिए है। अगर आपकी स्किन जो डैमेज हो रही है, डैमेज का मतलब कि आपके स्किन में रैसेस आ रहे हैं, कटे फटे हो रहे हैं, वहाँ पर इचिंग हो रही है, खुजली जैसी लग रही है, आपकी स्किन जो है वो ड्राई रहती है, उसमें नरिश नहीं रहता, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, विटामिन ई को आप ले सकते हैं। उसके यूज़ से आपके स्किन की जो प्रॉब्लम्स है उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ बात करें तो दोस्तों इसके दूसरे फ़ायदे के बारे में, तो दूसरा फ़ायदा जो है विटामिन ई का, वो आपको हेयर लॉस में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हों या आपके बाल वाइट हो रहे हों या बालों के अंदर डैंड्रफ रूसी जैसी समस्याएँ आती हैं, तो इन केसेस में भी विटामिन ई का आप यूज़ कर सकते हैं। आप विटामिन ई खाइए, उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे फायदे के बारे में विटामिन ई के, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। ये आपके जो बढ़ रहे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। बात कर ले दोस्तों चौथे फायदे के बारे में, तो फैटी लीवर जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लीवर में फैट जमा हो जाने लगता है, जिसकी वजह से उनके लीवर डैमेज होने लगते हैं, वहाँ के सेल ख़राब होने लगते हैं, वहाँ के बहुत सारी उसमें सूजन आ जाती है उनके फैट में, तो उन चीज़ों को बैलेंस करने का काम करता है, तथा जो फैटी लीवर्स पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है विटामिन ई। तथा हम बात करें तो दोस्तों, तो ये मसल्स पेन जो होते हैं, जो मस्कुलर पेन हमेशा बने रहते हैं, हाथ पैर में दर्द जैसा बना रहता है, उस केसेस में भी आपको विटामिन ई बहुत ही अच्छा फायदा करेगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये पार्किंसन जो एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं रहता और बहुत ही कम काम करता है, उससे क्या होता है, उसके साथ साथ इस बीमारी में आपके हाथ पैर क्या होते हैं, कंट्रोल नहीं रह पाते, काम नहीं करते अच्छे से, तो इन बीमारियों में भी आप विटामिन सी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें लगभग इंडिया में अगर देखा जाए पार्किंसंस बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं, लगभग 10 से 12 लाख लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं अभी। तो इसमें भी काम आता है कि आपके अपने हाथ पैर पर जो नियंत्रण होता है उससे खोने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका कह सकते हैं कि डोपामाइन जो होता है पार्किंसन बीमारी में, डोपामाइन का स्तर जो होता है वो गिर जाता है, तो उसके स्तर को बढ़ाने के लिए भी आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि विटामिन ई का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके आँखों के रोशनी के लिए यानी कि आई विजन्स के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करते हैं, आपके आँखों की रोशनी को बढ़ाते हैं, तथा वहाँ की जो सेल्स वगैरह डैमेज हुए रहते हैं, रेटिना वगैरह में कोई दिक्कत होती है, तो उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करता है, तथा साथ ही साथ आपके ड्राई स्किन में काम करता है। दोस्तों, अगर और बात कर ले इसके यूज़ के बारे में, तो ये इनफर्टिलिटी की शिकायतों को भी दूर करने का काम करता है, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो। होता क्या है, जैसे कि मेल की बात करें तो ये मेल में इनफर्टिलिटी को इस तरीके से कंट्रोल करता है कि आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करता है, साथ ही साथ उसके स्पर्म को हेल्दी और स्वस्थ बनाने का काम करता है। तो दोस्तों, और साथ ही साथ अगर महिलाओं की बात करें तो उनमें इनफर्टिलिटी क्या होता है, उनके ओवम या एग्स को हेल्दी बनाने का काम करता है, तथा जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उन पर भी कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम करता है, जिससे कि उनका इनरेगुलर जो पीरियड की समस्याएँ होती हैं वो भी बहुत हद तक विटामिन ई को लेने से कंट्रोल हो जाती हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं दोस्तों, उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के समय जो क्रैम्प होते हैं, पेट में दर्द उठते हैं, उसमें भी विटामिन सी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। साथ ही साथ बता दें हम दोस्तों कि इसकी जो और यूज़ है वो आपको क्या करता है कि जो घाव वगैरह होते हैं उसको हीलिंग करने का काम भी बहुत अच्छे से विटामिन ई करता है।
और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें विटामिन सी काम करता है। दोस्तों आपको क्या करता है, ऑयल बैलेंस का काम करता है, आपके शरीर में जो ऑयल का बैलेंस होता है उसको बना के रखता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, ड्राई स्किन, ये खुजली, इचिंग जैसी समस्याएं जो होती हैं, आपकी स्किन जब ड्राई होती है तो ये सारी समस्या दिखती हैं, तो स्किन को नरिश बनाने का काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे विटामिन सी के फ़ायदे हैं जो लीवर से, हार्ट से संबंधित चीज़ों को करता है, आपके हार्ट को जो बीपी है, ब्लड प्रेशर की है, उसको भी नियंत्रण और कंट्रोल करने का काम करता है। तो एक नज़र में अगर देखा जाए तो ये आपके डैमेज स्किन, हेयर लॉस, स्किन में जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं उसको, आई प्रॉब्लम, ड्राई स्किन, इनफर्टिलिटी, इन सारी समस्याओं में आपको विटामिन सी बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। तो बात कर लेते दोस्तों कि अगर ये इतना अच्छा रोल निभाता तो ये हमें मिलता कहाँ से, या इसके सोर्सेस कहाँ से हैं, ये हमें कहाँ से मिल सकता है अगर नेचुरली अगर हम बात करें तो। तो अगर नेचुरल की बात करें तो जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं उसमें आपको मिल जाते हैं, सोयाबीन ऑयल हो गया, ओलिव ऑयल हो गया, कोकोनट्स ऑयल हो गया, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नट्स ऑयल हो गया और आलमंड ऑयल हो गया, इन सब सारी चीज़ों में मिलता है। कुछ सी फूड्स में मिलते हैं, जो समुद्री फूड्स होते हैं उसमें मिलते हैं, पालक में मिलते हैं, जूस में मिलते हैं, तो ऐसी जगहों पे आपको मिल जाता है। लेकिन होता क्या है कि अगर इन सब सारी चीज़ों को अगर हम डेली बेसिस पे नहीं ले पाते, रेगुलरली यूज नहीं कर पाते, सी फूड्स, वेजिटेबल्स ऑयल अगर बराबर नहीं खा पाते, तो ऐसे केसेस में होता है कि हम विटामिन ई की कमी को कैसे पूरा करें। तो वहीं पर विटामिन ई को कमी को पूरा करने के लिए आप मार्केट में एवियन नाम के कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके के डब्बे में आते हैं, इसमें बहुत सारे पीसेस होते हैं। लेकिन अगर रेपर की बात करें तो इसमें एक स्ट्रिप में 10 गोलियां आती हैं, जो कि आपको मार्केट में 35 रुपीज़, यानी कि 35 रुपये में 10 गोलियां मिल जाएंगी। और इसके यूज़ से आप इन सारी चीज़ों को जो कि आप डेली बेसिस पे आप नेचुरली नहीं ले पा रहे हो, तो विटामिन ई का एक कैप्सूल लेकर के यूज़ कर सकते हो। बता दें दोस्तों, विटामिन ई जो है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में आता है, यानी कि इसके कैप्सूल जो होते हैं मुलायम और सॉफ्ट होते हैं, जिसको आप फोड़ करके इसको कोकोनट ऑयल में मिला करके आप अपने बालों में लगा करके बालों को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो आप इसको पर डे एक कैप्सूल खाना खाने के बाद, या तो सुबह या तो शाम, दिन में एक बार ले लें। अगर आपको दो कैप्सूल लेना है तो आपको अगर समस्याएं ज़्यादा हैं तो दिन में दो बार भी इसका यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन दो बार यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर लें इन कैप्सूल के बारे में, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि दो कैप्सूल आपके लिए ओवरडोज हो जाए, इसलिए एक कैप्सूल आपके लिए सेफ़ है, आप दिन में इसका एक बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस कैप्सूल को, अगर आपको स्किन से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो इस कैप्सूल को एक खा लीजिए, और साथ ही एक कैप्सूल को फोड़ करके अपनी स्किन में लगा सकते हैं। आपकी स्किन को बता दें, जो कोलेजन होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में जो झाइयाँ झुर्रियाँ होती हैं ना, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। आपकी स्किन में ये टाइटनेस लाने का काम करता है, यानी स्किन को क्या करता है, टाइट बना कर रखता है, जिसकी वजह से आप जवान दिखते हैं। वरना विटामिन ई की कमी से आपके चेहरे पर जल्दी से झुर्रियाँ आ जाती है। तो इन बहुत सारे केसेस में आप विटामिन ई का यूज कर सकते हैं। मार्केट में ये आपको एवियन नाम से, एवियन 400 mg में मिल जाती है, यानी कि जो 400 mg में मिल जाती है, इसके यूज़ से आप बहुत सारी समस्याओं को कर सकते हैं। दोस्तों ये विटामिन्स है, इसलिए ये इसको डेली बेसिस पे लिया जाता है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स है, और सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको आप हमेशा सालों साल खाना पड़ता है। तो आप कैप्सूल मत खाइए, लेकिन सालों साल आप जो नेचुरल फूड्स लेते हैं उसमें आप विटामिन ई का यूज़ करें। अगर विटामिन ई का यूज़ कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर उसमें कभी कभी जब ज़रूरतें पड़ती है कि हम अपन नेचुरल सोर्स से विटामिन सी को नहीं ले पाते, तब हमें विटामिन ई की कमी होती है, उस केसेस में आप कैप्सूल का यूज़ करके उस डोज को पूरा कर दें, फिर जो आपको कंप्लीट हो जाए तो इस कैप्सूल को खाना छोड़ दें, या आप अदर समस्याओं में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो में एवियन 400 mg, या आप कह सकते हो विटामिन ई के बारे में, विटामिन ई का यूज़, और साथ ही साथ उसके हमने डोज को देखा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने जो वीडियो में आपको बताया है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बात करें तो दोस्तों अच्छे इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर एक कैप्सूल आप ले रहे हैं तो इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को अगर दवाइयों से एलर्जी है तो उसमें उनको रैसेस, नोजिया, वोमिटिंग जैसी शिकायत हो सकती है, अदरवाइज इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये डेली बेसिस पे लेने वाले हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन आप जो नेचुरली विटामिन ई लेंगे वो आप कितना भी अधिक मात्रा में खाएं आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।